बीएससी खत्म करने के बाद राहुल के दिमाग में काफी सारे सवाल हैं। वो कमाना चाहता है, वो कमाना इसलिए चाहता है क्योंकि उसके पिताजी एक एक्स फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट में काम करते थे, लेकिन अब वो पेंशन में है। दुर्भाग्यवश उनकी माताजी बचपन में ही स्वर्ग सुधार गई थी, एंड जिसके कारण उनके बचपन से ही माँ का आंचल उनके सर से चले गया था। उनकी दो बहनें हैं जो उनसे छोटी हैं, लेकिन एक की उम्र हो रही है, अगले 4-5 वर्ष में उनका विवाह होने वाला है, जिसके कारण उनके पिताजी इन्हें कह रहे हैं कि फटाफट एक नौकरी करो, बिकॉज हमारे पेंशन से घर चल रहा है, सब कुछ, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, बहनों की पढ़ाई चल रही है, शायद इसके आगे मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। राहुल दिन भर यही सोचता है कि किस प्रकार से वो इन सारी चीज़ों को टैकल कर सके। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है राहुल की, इसको आप जब समझेंगे, जब आप जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से राहुल शेयर बाज़ार के लिए इंट्रोड्यूस हुए, किस तरह वो शेयर बाज़ार में आए, किस तरह उनने बड़ी बड़ी गलतियां करी यहां पर, बट किस तरह उनने फाइनली यहां से बहुत सारा पैसा बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, राहुल जब पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे थे, और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, तो इनकी अचानक से नज़र पड़ती है अखबार पढ़ते पढ़ते शेयर बाज़ार पे, और इनका एक थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है कि यार ये क्या चीज़ है शेयर बाज़ार। उनके कुछ मित्र लोग उसमें ऑलरेडी थे, तो इनको लगा कि करते हैं इस चीज़ पे। अब इनका दुर्भाग्य ये है कि इनकी पहली मुलाकात ही शेयर बाज़ार के अगर किसी प्रोमिनेंट प्लेयर से हो, तो वो सीधे हुआ था एक डब्बा बाज़ार के ऑपरेटर से। ये वो वाले ऑपरेटर नहीं है जो मार्केट हिलाते, डब्बा बाज़ार के ऑपरेटर मतलब जिन लोगों को नहीं पता डब्बा बाज़ार क्या होता है, ये इलीगल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है जो आज भी प्रीडोमिनेंट है। मुंबई में चलती है, दिल्ली में चलती है, चेन्नई में चलती है, गुजरात में बहुत चलती है। इसमें क्या होता है, क्यों करते हैं लोग? देखिए, डब्बा बाज़ार वो होता है जहां पर कि आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपके डीमैट या फिर एक्सचेंज पर रिफ्लेक्ट नहीं करते। इन शॉर्ट, जो कैश रहता है ये पूरा कैश सेटलमेंट पर चलता है, इस पर टेक्निकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होती है। दूसरा सवाल लोग क्यों करते हैं, पहली चीज़ ऑब्वियसली टैक्स बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग करते हैं, बिकॉज क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं होता तो टैक्स बचता है। दूसरी चीज़ है कि वही मतलब बहुत लोगों को एसटीटी और ये सब नहीं देना। तीसरी चीज़ है बिकॉज इस पर आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है, तो इस कारणवश क्या होता है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे जाते हैं। इसका सेटलमेंट ऑलमोस्ट हर सबका थोड़ा अलग अलग रहता है, बट मेनली फ्राइडे के दिन इसका सेटलमेंट होता है। इसका मतलब अगर फ्राइडे तक आपका जो पोजीशन है, पोजिशनल आप लेते हो, उसमें स्कैल्पिंग वैल्पिंग ये नहीं कर सकते, अगर पोजिशनल आपका प्रॉफिट में है तो डब्बा ऑपरेटर आपको पैसा देता है, कैश देता है, और अगर आप नुकसान में हैं तो आपको उसको फ्राइडे तक सेटल करना रहता है। तो फ्राइडे तक अगर नेगेटिव आपका 40,000 का M2M है, तो आप उसको 40,000 रुपीज आप उसको कैश में पे करते हो, तो नेक्स्ट वीक जब आपकी शुरुआत होती है तो वो 40,000 के हिसाब से एडजस्ट होकर आपका प्राइस माना जाता है। सो दोस्तों, इस तरह से उनकी मुलाकात होती है। अब इनको एक चीज़ समझ में आती है, अच्छा इस पर अपफ्रंट पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है, मैं इस पर शुरुआत करता हूँ। और पहले हफ्ते इनका जो कह सकते हैं बिगिनर लक बोल सकते हैं, बिगिनर स्ट्रीक मिलते हैं, उस पर इनकी कमाई हो जाती है करीब करीब 9-10 हज़ार रुपये, जिस पर उनको लगता है कि शायद यही वो तरीका है जिससे कि मैं अपने घर के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकूं। खुशी में जो इन्हें ये 10,000 रुपये बनाए रहते हैं, इनका काफ़ी समय से मन रहता है कि मैं घर वालों को कुछ गिफ्ट करूं, मेरे पिताजी को कुछ दूं, कुछ इस तरह से। तो वो अपने पिताजी के लिए स्पेक्स एक नया बनवाते हैं, जो चश्मा होता है वो उनके लिए नया बनाते हैं, और बहनों के लिए वो उनकी जो पढ़ाई के लिए किताबें और कॉपीज़ जो रहती हैं नई वाली, वो सारी ले आते हैं, जिसके कारण घर वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है कि वाह यार, बेटे की शायद नौकरी लग गई है। लेकिन इसके बाद जो अगले सप्ताह होता है वो राहुल को हिला के रख देता है। अगले सप्ताह फ्राइडे तक उनका ब्रोकर, इन शॉर्ट डब्बा ऑपरेटर जो रहता है, डब्बा प्लेयर रहता है, वो उनको बोलता है कि बॉस आपको 80,000 रुपीज देने पड़ेंगे आपके पोजीशंस इस कगार पे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि अगर आपने अगले 3 दिन के अंदर ये सेटलमेंट नहीं किया, 3 से 4 दिन के अंदर, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम आपके घर पे आएंगे और हमारे साथ जैसा भी हो सकता है उस प्रकार से हम उसे ऑप्टेन करने का प्रयास करेंगे। जिसको सुन के राहुल बहुत ही ज़्यादा भय में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि वो इस चीज़ पे है। इस कारण से राहुल ऑलमोस्ट पूरे उस दिन सो नहीं पाते, रात भर उनकी नींद नहीं होती है,
पूरे टेंशन में, पूरे इस चीज में सोचते हैं। देखिए अब 80,000 बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास इंसान जिसके पिताजी रिटायर्ड है, जो पेंशन से 20,000 रुपये 15,000 रुपये जो पेंशन आ रहा है उसमें पूरा घर चल रहा है, उसके लिए ऑब्वियसली भाई हर 10,000 रुपये मैटर करता है। और बाकी जो पहले वीक का 10,000 कमाया था उसमें से 3,000 रुपये तो उन्होंने गिफ्ट्स और इन सब चीज़ों में कर दिए, तो इनको लगा कि यार 7,000 ही रुपये बचे हैं, 6-7,000 रुपये बाकी कहाँ से लाऊँगा। और ये पूरी तरीके से टेंस्ड है। पूरे दिन टेंस्ड होते 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 अगले दिन और ये शायद उनका एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता था, ध्यान से सुनिएगा। तो इनके पिताजी अखबार पढ़ते पढ़ते डिस्कशन कर रहे हैं और इनके पिताजी रेफर करते हैं उनके एक अंकल के बारे में, अंकल मतलब राहुल के अंकल जो उनके पिताजी के कज़िन भाई हो गए। तो वो बताते हैं कि यार ये एक व्यक्ति है हमारे पूरे परिवार में जो गाज़ियाबाद के इधर रहते हैं, घर से ही काम करते, पता नहीं कैसे कमाते, कुछ शेयर बाज़ार से करते हैं, और रिश्तेदार तो बोलते भैया इनने ज़मीनें वमीनें खरीद ली हैं शेयर बाज़ार में पैसा कमा के, अब पता नहीं क्या है, पर मुझे तो ये सब जुआ लगता है। जिससे राहुल के दिमाग में कुछ तो घंटी बजती है, उनको लगता है यार कोई है ऐसा जिसने हमारे ही जान पहचान में इधर पैसा बनाया हुआ और घर पर बैठ के करते हैं, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो वो टेलीफोन लगाते हैं, उनके अंकल बोलते हैं हाँ आ जाओ मिलने के लिए आ जाओ, ये नहीं बताते फ़ोन पे कि इस तरह की सारी चीज़ें हुई हैं, बट बोलते ठीक है आ जाओ घर पे आ जाओ तो हम मिलते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर जो डब्बा ऑपरेटर वो उनको परेशान कर रहा है, भाई पैसे दो वरना हम आते हैं। जैसे तैसे राहुल ने उनको कन्विंस किया है कि मुझे सिर्फ 5-6 दिन की मोहलत दो, मैं कुछ भी करके आपको लौटाता हूँ। उनको भी नहीं पता राहुल को वो किस तरह लौटाएंगे, लेकिन जो बोलते हैं ना टाइम बार्गेन लेना कुछ लोग करते हैं, तो वो उनने वैसा किया हुआ है। टेंशन में तो हैं, लोकल ट्रेन लेते हैं, जाते हैं, पहुंचते हैं गाज़ियाबाद, करीब करीब 1-1.5 बजे पहुंचते हैं। लंच भी नहीं लिया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया, भूखे हैं, बट अब उनके अंदर पे ये है कि मैं अंकल से किसी तरह कोई रास्ता निकाल लूं। ये गए तो सिर्फ एक ही इंटेंशन से है कि अंकल ने अगर इतना पैसा बनाया है तो अभी के लिए पूरा पैसा दे दे मुझे, एंड फिर मेरा काम बन जाएगा, शेयर बाज़ार तो ठीक है सीख लूंगा, लेकिन अभी दिमाग में तो है बस मुझे पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो दोस्तों पहली गलत सोच हमारी यहीं पर हो जाती है, मैं इधर थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ इस चीज़ को। हमको लगता है कि मेन प्रॉब्लम इज पैसा, पैसा 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 नहीं है इसलिए हमसे ट्रेडिंग नहीं हो रही, जो बिल्कुल गलत है। आप में से काफ़ी सारे लोग लगता है कि बड़ा पैसा मतलब इजिकल टू आराम से आप टिक सकते हो, बहुत पैसा बना सकते हो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जिनको बड़ा पैसा मिल गया, जिनने लोन लिया और अपना पूरा पैसा डुबा दिया। अपन ने एक वीडियो भी डाला हुआ है जो आप लोग जाके देख सकते हो, 1 करोड़ लॉस वाला, 1.2 करोड़ लॉस वाला, वो जाके आप देख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी गलत धारणाएँ होती है। मेरा हमेशा कहना है कि अगर आप 10,000 रुपये को 20,000 रुपये नहीं बना पाते हो तो क्या आपको गारंटी है कि आप 50,00,000 रुपये को 1 करोड़ बना सकते? प्लेन एंड सिंपल, आपके अंदर वो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, राहुल तो अपने इसी इंटेंशन के साथ जाते हैं, पहुंचते हैं अपने अंकल के इधर पे, घर पे इधर, लेकिन अंकल की वाइफ उनको बोलते कि बेटा आपको 3-4 घंटे इधर वेट करना पड़ेगा। अब आंटी थोड़ी खड़ूस है, आंटी ने सिर्फ पानी ऑफ़र किया और बिस्किट 2-3 ऑफ़र किए, कुछ अलग सा लंच वंच पूछना चाहिए कायदे से, बट नहीं पूछा। खैर कुछ कुछ होती है हमारी इंडियन फैमिलीज़, बट एनीवेज उनको ऐसा था, लेकिन उनके अंदर ये था कि यार को ठीक है 3 घंटे वेट कर लेंगे लेकिन पैसा तो अपन लेंगे। अब 3 घंटे क्यों वेट करना पड़ा? बिकॉज इनके जो अंकल थे, जैसे कि इनने सुना था शेयर बाज़ार में है, और वो शेयर बाज़ार की सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहते थे, प्लस 3:30 से 4 के बीच में अपने ब्रोकर से इंटरेक्ट करके क्या कैसा हुआ, किस तरह से क्या करना है, वो सारी चीज़ें देखनी थी। तो 4 बजे इनके अंकल मिलते हैं, अंकल को तो पता भी नहीं था ये बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा था वो चले गए होंगे, तो वो बड़े सरप्राइज होते कि अरे तुम तो अभी तक बैठे हो। फिर बात चालू होती है इनकी, तो ये अपना पूरा डब्बा वाला इंसिडेंट बताते हैं, जिस पे इनके अंकल उनको क्लियरली पहली चीज़ बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो, जो पहली चीज़ ही तुमने अपनी शेयर बाज़ार में शुरू करी डब्बा बाज़ार से, कभी भी पहले एक वचन दो, अपने आप से कसम लो इस प्रोसेस पे नहीं जाओगे। पहली चीज़ ये इल्लीगल है, पकड़े गए तो वैसे भी उसमें बहुत लोचा होगा। दूसरी चीज़ इस पे समझना है कि एक डब्बा बाज़ार वाला ऑपरेटर, एक डब्बा ब्रोकर क्यों आपको इतना इंटाइस करता है, बिकॉज उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, 90% लोग यहाँ पर गंवाने वाले हैं जिसके कारण वो कमाने वाला है। प्लेन एंड सिंपल, लोग गंवाएंगे वो कमाएगा। तीसरी चीज़ है डब्बा बाज़ार वाला, अगर आप बैक टू बैक कमाने लगोगे तो वो आपको बैन कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर उसको दिखा कि ये बंदा स्किल वाला है, ये समझ गया है, तो उस चीज़ को बैन कर देते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने बोला कि इस चीज़ की आदत ही मत लगाओ, पहली चीज़ है, और आते ही तुमने इतना बड़ा लेवरेज्ड पोजिशन ले लिया डब्बे के आते। तो जिस पर राहुल ने लगा यार हाँ ये गलत हो गया। फिर अंकल उसको अपना एक चीज़ बताते हैं, वो बताते हैं
कि आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले एक बहुत बड़ा रनअप हुआ था आईटी कंपनियों में, बहुत ज़्यादा। बाद में वो खुलासा हुआ कि इसके पीछे एक बड़े ऑपरेटर का हाथ था, बट तब तक सिर्फ चर्चाएं रहती थी। मतलब हमारे जो मुंबई में हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो बताते रहते थे, जो बिल्कुल क्लोज थे बीएससी के, वो बताते थे इस तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन हम लोग तो पैसा लगा के उसमें बैठ गए थे, और वो मेरा एक समय था। मैं बाजार में हूँ लास्ट 16-17 साल से, लेकिन वो एक समय था जिसमें मैंने अपनी आमदनी करीब करीब 20 से 25 गुना कर दी, 20-25 times रिटर्न इन जस्ट 3 years, 3 साल में उनने कर दिया। जिसमें कि राहुल वाज लाइक, अरे इतना ज़्यादा पैसा भी बन सकता है? पर उनने ये बोला कि बोले मैंने कमाया। एक लेवल पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं भाव देख रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद ये भाव कब तक ऊपर जाता रहेगा। मेरे अंदर से एक गट फीलिंग आई, एक इंट्यूशन आया। मेरे मित्र लोग बोल रहे थे कि यहाँ से भी और ऊपर जाएगा, हो सकता हम 40-50 गुना बना ले, लेकिन मेरा गट फीलिंग, मेरा कंफर्ट लेवल कह रहा था और मैं जो भाव देख रहा था वो बहुत इनक्रेडिबल थे। तो मैंने सोचा कि यार, इससे पहले कि मैं लालची हो जाऊँ, मैं को अब यहाँ पर अपना मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। और आज तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे वो सारे दोस्त ऑलमोस्ट कंगाल, या फिर शेयर बाजार का सब उनका लुट चुका है, बिकॉज उनने जो शेयर खरीदे थे, हमने भी वही शेयर खरीदे थे, उन्होंने जो शेयर खरीदे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से निकले नहीं, जिसके कारण उन्हीं शेयर्स की वैल्यू एकदम खत्म हो गई और काफ़ी डीलिस्ट हो गए, लेकिन मैं सही समय पर निकल गया तो पैसे बन गए। तो दोस्तों, यहाँ पर उनने एक पहली इंपॉर्टेंट लेसन दिया, उन्हें ये दिया, घुसना सबको आता है, एंट्री सबको आती है, लेकिन अपने हिसाब से ग्रीड पे कब काबू रखना चाहिए, कब हमें निकलना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, जो अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और स्क्रीन टाइम स्पेंड करने से आता है। तो इनने ये चीज़ समझी। तो राहुल को एक और चीज़ समझ में आई कि इनसे भी तो शायद यही गलती हुई थी। पहले हफ्ते जब ये 10,000 पे थे, दूसरे हफ्ते जब वो समझ रहे थे, अपना कैलकुलेशन कर रहे थे, 25,000 के मुनाफे पे हैं, उनके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि दोस्त निकल जा यहाँ से, दोस्त निकल जा यहाँ से, लेकिन वो बैठे रहे उसी चक्कर में, 25,000 का गेन गया और उल्टा -80,000 पे आ गया। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 95,000 का लॉस हो गया टेक्निकली उस हिसाब से। अच्छा, 10,000 पहले कमाया था तो 85,000, पर ये एक चीज़ थी। तो उनने बोला, देखो ये पूरा गेम फियर और ग्रीड का है, तो तुमको अपने घोड़े पे लगाम लगाना आना चाहिए। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उनने ये कहा कि देखो, जब आप स्पेक्यूलेट करते हो, सौदा बनाते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि आप भाव के खिलाड़ी हो, आप भाव के साथ खेल रहे हो, और भाव कभी भी पलट सकता है। मैं पहले जो गलतियां करता था वो मैंने अब करनी बंद कर दी, इनके अंकल कहते हैं। मैं पहले जिस भाव पे लेता था, अगर भाव से चीज़ें पलटने भी लग जाती थी, तो मैं मन में एक विश्वास लेके चलता था कि मैंने जिस कारण से लिया है वो कारण अभी भी है, जबकि मेरा दिमाग बता रहा है कि जिस कारणवश तुमने वो लिया, वो कारण बदल चुके हैं और अब निकलना है। लेकिन नहीं, मैं उसको और 3 दिन और 4 दिन रखता था, और सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा जो 10% से नुकसान हो रहा था वो 60-70% का हो जाता था। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि मैं भाव और जिस इंटेंशन से मैं घुस रहा हूँ उसको याद रखूँ। मुझे 10 लोगों को पूछना ना पड़े कि यार मैंने ये लिया, अब क्या करूँ। मैं हमेशा पहले ये याद रखता हूँ मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, और वो क्यों अगर बदल जाता तो मैं उस पर वापस नहीं घुसता हूँ। तो ये उनने एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब राहुल के दिमाग में थोड़ा परिवर्तन होने लग गया था। उनको एक चीज़ समझ में आने लग गई कि इनके अंकल ने करोड़ों रुपए कमाए हैं यहाँ से, और ये अगर सिर्फ पैसे मांग के यहाँ से निकल जाएंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। लेकिन मन में डर भी है कि पैसा भी देना है, तो इनका एक सौभाग्य था, इनने अभी करीब करीब 20-30 हज़ार रुपये इधर उधर से जुगाड़े। इधर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, राहुल ने अपने सारे दोस्तों, जी हाँ, उनके घनिष्ठ मित्रों से भी पैसा मांगा। सिर्फ एक मित्र, उनके करीब 11-12 अच्छे क्लोज मित्र, सिर्फ एक मित्र था जिनने उनको सिर्फ 2,000 या 2,500 रुपये दिए। बाकी सब ने हाथ टेक दी, किसी ने बोला अबे तो पागल है क्या, मेरे पास इसका पैसा नहीं। सब ने अपने, जिसके पास, एक उनका दोस्त था जिसके पास बहुत पैसा था, उसने भी मना कर दिया। तो राहुल ने एक और सच्चाई सीखी अपने जीवन के बारे में कि ज़रूरत के समय में परिवार वालों के अलावा कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है, तो दुनिया भर को पैसा मांगना मुझे शोभा नहीं देगा। पर यहाँ पर उनके अंकल ने उनको सीधा कहा, मुझे पता है तुम किस स्थिति में हो, और मैं तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूँ, बहुत ही स्वाभिमानी है, वो तुमको ये सब चीज़ें करने नहीं देंगे, और वो उनके 50,000 रुपये उनको देते हैं। तो राहुल के पास करीब करीब देने लायक ब्रोकर को हो गया था। राहुल को उनने ये चीज़ भी कही कि मैं ये उधार उधार नहीं दे रहा हूँ, ये मैं सूद समेत दे रहा हूँ, और मुझे साल का उनने कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जो बैंक से कम था, लेकिन बोला मेरे को इतना चाहिए। तो राहुल इस चीज पे बोलता है थैंक यू एंड ये सारी चीजें कहता है, लेकिन मुझे आपसे सीखना है। तो जिस पे उसके अंकल सीधे बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, बट हाँ, जब जब होगा आप आइए मुझसे मिलिए,
आप मार्केट के समय के बाद आइए, तो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। राहुल इधर से जाते हैं, पूरे ट्रेन की जर्नी में जो लोकल ट्रेन होता है दिल्ली में, वो यही सोच रहे थे कि यार मेरे एक अंकल ने इतना कमाया है, मतलब कुछ तो है यहाँ पे। पर अब एक चीज़ साफ है कि मुझे मेंटली पहले फ्री होना पड़ेगा, और इसी के लिए राहुल जिनने बीएससी अपनी कंप्लीट कर ली होती है, वो अपना एक थोड़ा सा फील्ड चेंज करते हैं, वो अपने एक मित्र से अकाउंट कीपिंग, टैली और ये सारी चीज़ें सीखते हैं। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे शायद शेयर बाजार के लिए सीख रहे हैं। नहीं, उनने अपने दिमाग में एक आइडिया बनाया, उनने क्या सोचा कि करना तो मुझे शेयर बाजार पे है, लेकिन घर वालों को दिखाने के लिए एक नौकरी चाहिए, प्लस मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए। अब मैं अगर हार्डकोर नौकरी करूंगा जिस पे सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो शायद मैं कहीं ना कहीं अटक जाऊंगा। तो मेरे लिए शायद सही ये होगा कि मैं एक ऐसी नौकरी करता हूं जहां पर कि मुझे ठीक ठाक पैसा है, बट मुझे समय ज़्यादा मिले। तो आप में से भी काफ़ी सारे लोग ये सोचते कि मैंने जॉब करा तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही गलत बात है। इनफैक्ट आज भी राहुल जॉब करते हैं, आज थोड़ी ज़्यादा सैलरी पे करते हैं, और वो खुशी खुशी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें। तो राहुल ने ये चीज़ करी। दूसरी चीज़, इन दिल्ली वाले पता नहीं जानते होंगे, दिल्ली में एक जगह है सरोजिनी नगर करके, वहाँ पर आसपास इनको कहीं से जुगाड़ से पता लगा, एक किताबों की कुछ दुकान है जहाँ पुरानी किताबें बड़ी सस्ती में मिल जाती हैं। इनने सोचा मैं इधर जाऊँगा, किताब लूँगा और बढ़िया अपनी यहाँ से चीज़ें सीखना शुरू करूँगा। इनने कुछ कुछ फेमस किताबें वहाँ से लेना शुरू करी। राहुल ने अपने डेडिकेशन से वो दिन दिन का 4 से 5 घंटा ऑफिस के काम के अलावा इस चीज़ को देने लग गए। इसके अलावा ये हल्का 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 निवेश, ट्रेड नहीं, निवेश कर करके इनने उनका निवेश जिस तरह बढ़ रहा था, इनका करीब करीब पोर्टफोलियो हो गया था 3 लाख का। हल्का फुल्का ट्रेडिंग करते थे और निवेश, हल्का फुल्का ट्रेडिंग और निवेश, सेविंग्स और इन सारी चीज़ों से ये कर लिया था। लेकिन अब 2-3 साल में बहन की विवाह भी है, अब ऑब्वियसली इनने अपना हार्डकोर प्रोफाइल नहीं लिया तो ग्रो करना मुश्किल है, बट उसके लिए भी पैसा करना है। तो ट्रेडिंग में अब इनको बहुत सारी चीज़ें लास्ट 2-2.5 साल से समझ में आ गई। ये अपने अंकल के टच में भी रहते थे, हर महीने में 1-2 बार जाके मिलते थे, बिकॉज वो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, जिस तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो जो साइकोलॉजी में जो एक चेंज लाता है। दोस्तों बिलीव करते हो कि नहीं इस चीज़ पे कमेंट्स पे बताना, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस वाली चीज़ें सुनते हो, समझते हो, तो बहुत चीज़ें आपके माइंडसेट में चेंज करती हैं। तो ये वो एक चीज़ करने लगे जिसके कारण इनके माइंडसेट में थोड़ा परिवर्तन होगा। अब आया इनके पास एक मौका, ये विदेशी अखबार भी थोड़ा बहुत पढ़ने लग गए थे, और इनको एक चीज़ दिखी कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी वाला है वहाँ का कोई बबल है जो विदेशों में फटा है, और जिसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन देश में भी होने वाला है। और उस समय में दोस्तों राहुल ने अपने उस 3 लाख पे एक बाजी ली। आप में से काफ़ी लोग कहेंगे लक था, ये था, जो भी था, लेकिन इनने अपने अंकल से एक और बात सीखी कि शेयर बाजार में तुम हर साल छक्के नहीं मार सकते हो। तुम्हारे पूरे काल में, अगर मान लो तुम 20 साल में हो शेयर बाजार में, सिर्फ 2 से 3 बार ऐसा समय आएगा जिस समय ऑब्वियसली नसीब का तो खेल रहेगा, लेकिन तुमको प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो नहीं कमा पाओगे। प्रिपेयर्ड हो और साथ में नसीब है तो ही तुम पैसा कमा पाओगे। उनने अपने 3 लाख रुपये को 60 लाख रुपये उस वर्ष में कन्वर्ट किया, पहले शॉर्ट बाद में लॉन्ग, और इससे इनका एक मोटिवेशन अलग आया। इनने अलग से 10 लाख रुपए पहले रखे कि मैं अपनी बहन की शादी और इन सब चीज़ों के लिए रख देता हूँ। इनने अलग से 20 लाख रुपए बिकॉज ऑफ द टैक्सेस एंड एवरीथिंग ये चीज़ रखा, लेकिन करीब 30-35 लाख रुपए एट द एंड इनके पास सारी चीज़ें इनके पास बच गई थी, और उनको एक अब अलग कॉन्फिडेंस आया। लेकिन इनको एक और चीज़ समझ में आ गई कि शायद इस बार मेरे बहुत पैसे बन गए, आगे बने नहीं बने मुझे नहीं पता। उनको एक कॉन्फिडेंस का लैक था, तो उनने सोचा सेफ साइड, उनने अच्छी क्वालिटी के शेयर, जो निफ्टी के शेयर, ये सारे शेयर थे, उनने उठा लिए, और वो आगे चल, और थोड़े बहुत उनने मिड कैप्स में लगा दिए, और ये आगे चल के इनका कैपिटल 3-3.5 करोड़ हो गया। दोस्तों इस तरह उनने अपना बेस कैपिटल बनाया, एंड फास्ट फॉरवर्ड आज के समय पे 11 करोड़। आज भी वो जॉब कर रहे हैं, पिताजी एकदम खुश हैं उनके, पिताजी को उनने बता दिया है, ट्रेडिंग का नहीं बताते, वो बोलते मैं इन्वेस्टर हूँ। पिताजी उसके साथ सेटिस्फाइड है, क्योंकि इनने घर का रिनोवेशन करा दिया, सब कुछ करा दिया। बहन, एक बहन की शादी हो गई, दूसरी की बहुत जल्द होने वाली है। मैंने नाम इधर इसलिए चेंज किया है बिकॉज रिक्वेस्ट थी, कुछ लोग प्राइवेसी रखना चाहते हैं, वो नाम नहीं चाहते, बट मैं इतना ज़्यादा प्रभावित था, मैं चाहता था ये आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कोई आप में से कोई एक जो देख रहा हो वो अगर इस चीज़ से इंस्पायर हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ आपको कहानी, लेकिन अगर आपको कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी से, और आपके माइंड में कुछ एक चीज़ हुई है यहाँ पर कि हाँ यार, जब राहुल कर सकता है, आप भी शायद एक राहुल हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते वो सारी चीज़।
आपको बस खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, बिलीफ रखना पड़ेगा, एंड बिलीव में आप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो, और अगर कोई भी बात इधर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। जिससे मैं इस पर कोई टारगेट नहीं रख रहा हूँ, हर बार अपन एक टारगेट, इस पर कोई टारगेट नहीं। देखिए कुछ चीज़ें दिल से आती हैं, उस पर आपका अगर दिल से कनेक्शन बैठा है तो आप लोग अपने आप ही कर देते हो, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। बट अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आशा करता हूँ आप